नमस्कार एवरीवन, खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, ये 45 मिनट कम से कम आपको एक्सरसाइज तो करनी पड़ेगी, अगर आपको पसीना भी बहाना पड़ेगा। और हाँ, आपको लो कार्बोडाइट भी लेनी पड़ेगी। और ये शुगर, बटर, घी, ये सब तो भूल ही जाओ, नाम भी नहीं लेना है इसका। तो तब जा कर के कह सकते कि थोड़ा बहुत वजन खिसक सकता है। और ये कोई एक महीने का काम नहीं है, आराम से साल भर तो हमको मेहनत करनी ही पड़ेगी। और हाँ, अगर हम आपसे कहें तो चॉकलेट खाइए, पिज्ज़ा खाइए, जो मन करता है वो खाइए। अब आप कहेंगे कि मेरे डाइट ख़राब हो जाएगी, है ना। और काश कि अगर कोई आपको ऐसी डाइट बुक मिल जाती तो जो आपको ये ना बोले कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, और खाने के बाद में आपको गिल्टी फील ना हो। अगर कोई ऐसी टेक्निक हो जो आपको खाने से ना रोके, तो क्या आप ट्राई करना चाहोगे? इंसानी दिमाग जो है ना, वो एक कंप्यूटर जैसा होता है। जो कुछ आप इसके अंदर डालोगे वो उसे अफेक्ट करेगा। या तो आपका दिमाग पीछे रहेगा, या फिर किसी एफिशिएंट कंप्यूटर की तरह तेज़ भागेगा। तो अगर आपको वजन कम करना है वेट लूज करने के लिए, तो फूड को डिफरेंट लेवल पर प्रोसीव करना पड़े तो क्या होगा? इसीलिए खुद को भूखा मारने या जी तोड़ मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस किताब में हम पढ़ेंगे कि पॉजिटिव प्रोग्रामिंग क्या है, इसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। हो सकता है कि अब तक आप इस वेट लूज इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि आप गलत डाइट फॉलो कर रहे होंगे। बुक का एजेंडा सिर्फ वजन कम करना है, बल्कि खुद को इम्प्रूव करना भी है, और वो भी बिना फ्रस्ट्रेटेड हुए। तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप अपने बॉडी के मास्टरमाइंड खुद हैं, कोई और नहीं। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। समरी ऑफ आइकन मैक्यूथिन, पॉल मैकेसना ने लिखा है इसको। तो चलिए इस जर्नी को स्टार्ट करते हैं और इस बड़े चेंज के लिए एक स्टेपिंग स्टोन लेते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर कहता है कि क्या आप कुछ एकदम नया और डिफरेंट करने के लिए रेडी हैं, यानी आर यू रेडी फॉर समथिंग कम्प्लीटली डिफरेंट। तो पॉल मैकेना कहते हैं कि अपने माइंड को प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले तो ये पैटर्न समझना पड़ेगा कि अभी तक आप पतले क्यों नहीं हुए। असल में तीन पैटर्न्स होते हैं, जो है ऑब्सेसिव डाइटिंग, इमोशनल ईटिंग और फॉल्टी प्रोग्रामिंग। और शायद आप अभी तक डाइट को सिर्फ वजन कम करने से जोड़ने की गलती कर रहे हैं। तो कई बार आप अपने फ्रेंड से सुनते हैं या फिर इंटरनेट पे कुछ पढ़ करके एकदम से हार्ड डाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसे हम ऑब्सेसिव डाइटिंग कहते हैं। ऐसे लोग भी होते हैं जो एक पूरी लिस्ट बना लेते हैं कि क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। और कुछ ऐसे भी है जो डाइट चेकलिस्ट के हिसाब से चलते हैं, ताकि उन्हें अपना आइडियल बॉडी फिगर अचीव करने में हेल्प मिल सके। तो अब सिर्फ पॉपुलर डाइट के बेस पे मिलना सिर्फ ये भी है कि इसको डाइट एक्सट्रीम लेवल पे चेंज होती है, या फिर ज़्यादातर चीज़ें खाने की मनाही होती है जो कि हमको बहुत पसंद होती है, जबकि ये चीज़ हमारे नेचुरल बॉडी मेटाबॉलिज्म के खिलाफ होती है। स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने वाले इंसान बीच में ही अक्सर टूट जाते हैं, रुक जाते हैं और फिर दुगना खाने लगते हैं। खैर, इस बारे में बाद में बात करेंगे। डाइट का सेकेंड पैटर्न है इमोशनल ईटिंग। पॉल मैकेना इसे ओबेसिटी का नंबर 1 रीजन मानते हैं। बहुत से लोग तब ज़्यादा खाने लगते हैं जब उन्हें अकेला फील होता है, वो लोनली फील करते हैं, या वो बोर हो रहे होते हैं, या फिर उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर चाहे उनका पेट ही क्यों ना भरा हो, उनके इमोशंस उन्हें कुछ ना कुछ खाने के लिए पुश करते रहते हैं। असल में इमोशनल ईटिंग का रियल हंगर से कोई लेना देना नहीं है। कहीं आप भी उनमें से तो नहीं जो किसी परेशानी के चलते वेट पुट ऑन कर लेते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम्स आई नहीं कि आप लजीज खाने पे टूट पड़ते हैं। वैसे ये एक तरह का मेंटल स्ट्रेस बस्टर है। डिलीशियस खाना हमें, स्वादिष्ट खाना हमें कम्फर्ट देता है। कई बार तो प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हो जाता है, मगर प्रॉब्लम यह है कि लोग स्ट्रांग फील करने के लिए खाते ही रहते हैं। लेकिन आपको अपने इमोशंस का गुलाम बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इमोशनल ईटिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस बारे में हम कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि एक म्यूजिकल हंगर और एक इमोशनल हंगर के बीच, फिजिकल हंगर इमोशनल हंगर के बीच में फ़र्क कैसे पड़ा जाए। थर्ड पैटर्न है फॉल्टी प्रोग्रामिंग। हमारा माइंडसेट ही हमारी ओबेसिटी का जड़ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम फेल हो गए हैं या हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। खुद को एक ब्रेक दीजिए। जो भी डाइट पिल्स या फिर शेक्स आप ले रहे हो, आपके ऊपर इसीलिए काम नहीं कर रहा है क्योंकि आपको वेट लॉस की बेसिक प्रिंसिपल्स मालूम नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। खुद के बारे में सबसे पहले नेगेटिव ना सोचिए। हमको बस थोड़ा सा कंट्रोल की जरूरत है, बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम थोड़ा सा, क्योंकि हमारी प्रोग्रामिंग में ही कुछ गड़बड़ है या फिर हम वजन कम करने को समझ ही नहीं पा रहे हैं। बस ये ध्यान रखिए कि हम एक बुरे इंसान नहीं हैं, बस हमारे कुछ हैबिट्स हैं जिनसे हमें छुटकारा पाना है। तो चलिए हम इसे समझते हैं। केट ओवेट की कहानी से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। पॉल मैकेना से पहले केट ने हर टाइप की डाइट फॉलो करके देखी। उसने
कैलोरी काउंटिंग और फैट काउंटिंग भी ट्राई किया। उसने 6 डाइट यानी कि शाम के 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना ये सब भी ट्राई किया, मगर इतना कुछ करने के बाद भी फ़र्क नहीं पड़ा। कैट ने ज़रा भी वजन कम नहीं किया, बल्कि वो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया कि उसने वजन कम करने का ख्याल ही उसके दिमाग से निकाल दिया। उसने खुद को कन्विंस कर लिया था कि मोटापा तो उसके खून में है, क्योंकि उसके घर में सब मोटे हैं, तो फिर इतनी मेहनत ही क्यों की जाए जब रिजल्ट कुछ मिलना ही नहीं है। तो कैट पूरी तरीके से गिव अप कर चुके थे कि तभी एक दिन उसे एक पॉल मेकिना के बारे में पता चला। वो ये देख करके हैरान कि पॉल के टेक्निक्स कितने सिंपल और इजी है। उसे लग रहा था कि ये कोई डाइट नहीं बल्कि खाने को देखने का एक नया नज़रिया है। पहले वो इतने स्ट्रिक्ट डाइट करती थी कि भूख के मारे उसकी जान ही निकल जाती थी, फिर वो खाने पर ऐसे टूट पड़ती थी जैसे कि कई सालों से भूखी हो, और फिर इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे बहुत बड़ा गिल्ट फील होता था, यानी कि अपराध बोध फील करती थी वो। मगर अब वो अपनी 18 हैबिट से बहुत काफ़ी खुश और सेटिस्फाइड है, और अपनी न्यू बॉडी शेप्स को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट है। कैट ने पूरे 70 पाउंड लूज किए, लेकिन कैट मानती है कि चेंज का मतलब फिजिकल चेंज से कहीं ज़्यादा है। वो अपनी लाइफ को पहले से ज़्यादा एंजॉय कर रही है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो वो पहले नहीं कर पाती थी मगर अब कर सकती है। उसे पहले शॉपिंग पर जाना बिल्कुल नहीं पसंद था क्योंकि वो एक कोई कपड़ा उसके साइज़ का मिलता ही नहीं था, और अब तो उसके लिए शॉपिंग करना बहुत पसंद है। कैट के लिए वेट लॉस करना पॉल मेकिना के लेक्चर्स का बोनस प्राइज है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दूसरे चैप्टर के साथ, जो कहता है कि द सिंपलेस्ट वेट लॉस सिस्टम इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया का सबसे सिंपलेस्ट वेट लॉस सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। क्या आप भी यही सोच रहे हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट डाइट के बाद भी आपका वेट कम क्यों नहीं हो रहा है? तो यहाँ हम आपको सिंपल वेट लॉस सिस्टम के 4 नियम बताएंगे। पहला नियम है कि ईट व्हेनेवर यू आर हंग्री, यानी खाना तभी खाओ जब आपको भूख लगी हो। भूखे रहने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हमारी बॉडी फैट और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी में कन्वर्ट करती है, जिसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस करता है। आप अगर एक स्ट्रिक्ट डाइट करेंगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल रहेगा। हमारा सेकेंड रूल है ईट वॉट यू वॉन्ट एंड डोंट वॉमिट योर सेल्फ, यानी कि जो मन करे वो खाइए, क्योंकि आप जितनी लंबी लिस्ट बनाएंगे कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना उतना ही हम टेम्पटेड फील करेंगे। तो जब सचमुच में भूख लगे तो तभी खाए, और ये श्योर कर ले कि कहीं हमारी इमोशनल हंगर तो नहीं है। तीसरा नियम है कि हमको खाते टाइम कॉन्शियस रहना है। खाते टाइम सिर्फ खाने पे ध्यान रहने से हम फालतू खाने से बचते हैं, यानी कि टीवी मोबाइल देखते टाइम हम कितना खाते हैं हमको पता ही नहीं चलता है। इसीलिए अगर आप सिर्फ खाने पे फोकस करेंगे तो ओवर ईटिंग से बचेंगे। चौथा रूल है, जब हमको लगे कि पेट भर गया है तो खाना स्टॉप कर दे, प्लेट में उतना ही ले जितना हम खा सकते हैं। ओवर ईटिंग ग्लूटोनिंग की निशानी है, यानी कि ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसे लोग जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा खाते हैं, और ओवर ईटिंग की वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और कैंसर जैसी क्रॉनिक डिजीज भी हो सकती है, और ये बात कई सारे स्टडीज से भी प्रूफ हुई है। तो अब आगे पॉल मैकेना हंगर स्किल के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। ये एक स्किल है जो आपको बताएगा कि आपकी भूख कितनी इंटेंस है। इसके 10 लेवल्स हैं: फिजिकल फैट्स, रिवेनियस, फेयरली हंग्री, स्लाइटली हंग्री, ल्यूट्रल और प्लीजेंटली सेटिस्फाइड, फुल स्टफ्ड, ब्लोटेड और नॉइजियस। तो यहाँ पे पॉल मेकेना के हिसाब से हमें इस हद तक नहीं खाना चाहिए कि हम एकदम स्टफ्ड, रोटेड या फिर नोजियस फील करें। रूल नंबर 4 क्लियरली बोलता है कि जब पेट भर जाए तो खाना बंद कर दीजिए, और स्किल नंबर 7 तक कभी नहीं जाइए। ऊपर मेंशन किए गए रूल्स को फॉलो करने के बाद ही नेचुरल है कि हमें 2 हफ्ते बाद ही कुछ इम्प्रूवमेंट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। शुरुआती में ये सब हमको थोड़ा अजीब लगेगा, इतने टाइम से हैवी ईटिंग करने के बाद में इतनी जल्दी हम इसे अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम उस चीज़ों को भूल जाएंगे जिसे हम फॉर मीडियम फूड बोलते हैं, जैसे कि चावल, ब्रेड, स्वीट्स वगैरह। आप खुद को लेकर के काफ़ी कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे क्योंकि आपको अभी ड्रास्टिक डाइटिंग करने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं। पॉल मैकेना अपने बुक में ये नहीं बोलते कि आप स्ट्रिक्ट डाइट करो, बल्कि वो आपको रिमाइंड कराना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि खुद पर इतना प्रेशर मत डालो, थोड़ा सा रिलैक्स करो, चिल मारो। सिर्फ आपको रूल्स को फॉलो करना है और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। किसी भी चीज़ का रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं मिलता है। 2 मिनट के बाद में अपना वेट चेक करना छोड़ दीजिए। इससे आप मोटिवेट तो नहीं होंगे, उल्टा प्रेशर में आ जाएंगे। और गाइडलाइंस को फॉलो करते टाइम एक बिगर पिक्चर माइंड में रखिए, और आलस तो बिल्कुल मत करें। अगर आप क्लियर सिंह से पूछेंगे उसने सारा दिन क्या खाया, तो उसे शायद कुछ याद भी ना आए। रीज़न ये है कि वो हद से ज़्यादा खाती है, उसके
लिए खाने की कोई लिमिट ही नहीं है। पेट भरा हो तो भी क्लियर खाती ही रहती है। उसके मॉम ने उसे क्रिसमस प्रेजेंट के तौर पर पॉल मैकेना की वर्कशॉप क्लासेस पर भेजा। क्लियर इस वर्कशॉप से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए। उसे लगा कि जैसे वो आज तक सो रही थी और अब इस किसी ने उसे जोर का धक्का दे करके उठा दिया हो। लाइफ में पहली बार क्लियर अपने खाने को लेकर के कॉन्शियस हुए थी। उसने वर्कआउट करना भी स्टार्ट कर दिया था। इस वर्कशॉप ने उसका खाने को देखने का नज़रिया ही बदल दिया था। उसे समझ में आ गया था कि फूड बॉडी के लिए सिर्फ एक फ्यूल है, ना कि कोई रेयर चीज़ जिसे बॉडी में स्टोर किया जाए। क्लियर ने अपनी बॉडी से प्यार करना सीख लिया था और वो अब अपना ख्याल रखने लगी थी। उसने जंक फूड एकदम छोड़ दिया था। उसने हेल्दी खाना बनाना भी सीख लिया और क्लियर ने काफ़ी सारा वजन कम कर लिया था। वह पहले से बेहतर फील कर रही थी और अपने इस न्यू फाउंड बॉडी में कंफर्टेबल फील कर रही थी। इस एक्सपीरियंस ने उसके हेल्थ तो इम्प्रूव की ही, साथ ही साथ उसे पॉजिटिव आउटलुक भी दिया। आज क्लियर सिंह पहले से काफ़ी बेटर है और वो इसे एंजॉय भी कर रही है। यानी कि कोई प्रेशर नहीं है कि आपको ये करना ही है, एकदम आप एंजॉय करते हुए इसे फॉलो करें, मज़ा आ रहा है खाने का, जीने का। आगे बढ़ते हैं थर्ड चैप्टर पे, प्रोग्राम योर माइंड टू स्लिम योर बॉडी। यानी कि चलिए जानते हैं ये कैसे करना है, आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। खाना आपको कंट्रोल करता है या आप खाने को कंट्रोल करते हो, सोचिए ज़रा। वजन कम करना है तो सिर्फ उस सेल्फ कंट्रोल और विल पावर से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले आपको अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करना है। अगर आपका माइंड ही फोकस नहीं है तो सेल्फ कंट्रोल से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपकी इमेजिनेशन को सेल्फ कंट्रोल पर हावी ना होने दे। अगर आपका माइंड सोचेगा कि चॉकलेट कितनी टेस्टी है या पिज्ज़ा कितना टेंटिंग है, तो आपकी सेल्फ कंट्रोल एकदम बेकार है। फिर चाहे आप खाने से कितना भी दूर क्यों ना भाग लो, मगर आपका दिल वहीं रहेगा। फिर फाइनली होगा ये कि आप 4 गोल्डन रूल्स को भूल जाएंगे और खुद को खाने से रोक नहीं पाएंगे। आपके माइंड को जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है प्रोग्रामिंग, क्योंकि आप खुद का ही बेटर वर्जन बनना चाहते हो। दरअसल हम सब बेटर लगना चाहते हैं और बेटर फील करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेसिफिक बनिए और खुद से डिस्क्राइब करें कि आपको क्या बनना है। ये प्रोसेस आपको थिन होने के साथ साथ, पतला होने के साथ साथ सेल्फ इमेज इम्प्रूव करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। ज़रा सोचिए ये आपके सेल्फ स्टीम, कम्युनिकेशन और बाकी चीज़ों को कैसे अफेक्ट करेगा। आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, ये बात ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आप सोचेंगे कि अब कभी आप पतले नहीं हो सकते, तो यकीन मानिए आप पूरी ज़िंदगी ओवरवेट ही रहेंगे, क्योंकि आप जो सोचेंगे वही तो होगा। इसीलिए हमेशा ये सोचिए कि एक दिन आप फिट बॉडी अचीव करके ही रहेंगे। इस तरह आप हर सुबह अपने ड्रीम्स के एक स्टेप क्लोजर आ जाएंगे। अब जैसे एक लड़की की स्टोरी है जो काफ़ी डिप्रेशन में रहता था, उसका नाम है क्रिस्टोफर वाइल्डी। वो इतना अनहेल्दी लाइफ जी रहा था कि वो कभी भी मर सकता था। उसे अपनी लाइफ एकदम वेस्ट लग रही थी। उसे लग रहा था कि लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। क्रिस्टोफर के दोनों पेरेंट्स के कैंसर से डेथ हो गई थी। अब वो बिल्कुल अकेला था और ऊपर से उसने अपने 18 साल पुरानी जॉब इसलिए छोड़ दी क्योंकि उसे इस जॉब से नफरत थी। लाइफ से तंग आकर के वो अपनी जान देने की सोच ही रहा था कि आई कैन मेक यू थिन ने उसे बचा लिया। जी हाँ, क्रिस्टोफर ने बताया कि वो अब तक कई सारे डाइट ट्राई कर चुका है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसने थोड़ा वेट लूज़ किया, उसने एक हद तक अपने खाने पर भी कंट्रोल किया, मगर सिर्फ एक पॉइंट तक। स्ट्रेस में आकर के वो फिर से खाना स्टार्ट कर देता और इस तरीके से वो हर बार पहले से ज़्यादा फैटी होता जा रहा था। पॉल मैकेना के टेक्निक्स को ज्वाइन करने से पहले उसका वजन 380 पाउंड्स था, जो कि अभी घट करके सिर्फ 175 पाउंड रह गया। इतना वेट उसने सिर्फ 14 महीने में ही लूज़ किया है। आज उसकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो चुकी है। इस बुक ने ना सिर्फ उसे वेट लूज़ करने में हेल्प की, बल्कि उसे लाइफ के चैलेंजेस फेस करना भी सिखाया। उसने अब अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर ली है। आज उसके पास एक ग्रेट करियर है जिसे वो रियली एंजॉय करता है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ चैप्टर नंबर 4, ओवरकमिंग इमोशनल ईटिंग। आइए जानते हैं कि ये हमें क्या बताती है। क्या आप जानते हैं कि दो टाइप के हंगर होते हैं, एक होती है इमोशनल हंगर और दूसरी होती है फिजिकल हंगर, और दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो सबसे पहले इमोशनल हंगर की बात करते हैं, जो मेनली ज़्यादा अर्जेंट है। फिजिकल हंगर वेट कर सकती है, बट इमोशनल हंगर तब होती है हमें जब हमें किसी चीज़ की क्रेविंग होती है। जैसे कि हमें आइसक्रीम खाने का मन है और हम उसके बारे में सोचे ही जा रहे हैं। बस आपका दिल कर रहा है कि बस जल्दी से आइसक्रीम मिल जाए। और दूसरी तरफ फिजिकल हंगर ग्रेजुअल होती है। ये सिर्फ एक लो हम्बल के साथ में स्टार्ट होती है। अगर आप अभी नहीं खाएंगे तो या तो आपके सर में दर्द होगा या फिर
या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगेगा। तो फिजिकल हंगर इजीली सेटिस्फाइड किए जा सकते हैं, मगर इमोशनल हंगर आप तभी सेटिस्फाइड हो पाएंगे जब आपकी फीलिंग्स चेंज होगी। अगर आप दुखी है, सैड है, तो आप शायद लगातार खाते ही रहेंगे, और जब आप फिर से हैप्पी हो जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कितना खाने लगे हो। तो इसका सलूशन यही है कि पहले आप अपने प्रॉब्लम्स को सही करिए, पहचानिए कि आप क्यों एक्स्ट्रा ईटिंग कर रहे हो। सीक्रेट यही है कि अपने थॉट्स को इस तरीके से रिप्रोग्राम करो कि दीजिए कि आपकी बॉडी फूड क्रेविंग स्टॉप कर दे, क्योंकि ऐसा कोई फूड नहीं है जो आपको प्यार या फिर जिसे खा करके आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जब तक कि आप अपनी फीलिंग्स को नहीं समझेंगे तब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं हो पाएंगे। स्ट्रेस रिड्यूस के और कई सारे और तरीके हैं जिसे आपको सीखना पड़ेगा। स्ट्रेस तब भी होता है जब आप किसी और को या आपको कोई क्रिटिसाइज करता है, लेकिन जब आप खुद को ही इतना क्रिटिसाइज करोगे तो बाकी लोग भी वही करेंगे। खुद को ब्लेम करना छोड़ दीजिए कि आप पतले नहीं हो पा रहे हैं। अपने दिल से किसी भी तरह का छोटा बड़ा गिल्ट दूर कर दीजिए। कांच के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर के खुद को अगली और फैट समझना बंद कर दीजिए। इस दुनिया में हर कोई एक अलग बॉडी के साथ पैदा हुआ है। जो तो नेचुरली स्लिम ट्रिम है या मॉडल जैसा फिगर लेकर के पैदा हुए हैं, आप उनसे कंपटीशन ना करें। पॉल मैकेना कहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही खुद को एक्सेप्ट करें तो बेहतर होगा। इवन कभी कभी खुद की तारीफ करना भी दिल को बड़ा सुकून देता है और हमें मोटिवेट करता है। खुद से प्यार करेंगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी। चलिए इंस्पिरेशन के लिए एक और कहानी सुनते हैं बुक से। मोरेन एडवर्ड्स ने एक बार अपने पड़ोसी के क्यू पार्टी में गया। वहां पर काफी लोग आए थे। मोरेन ने बॉफे टेबल से अपनी प्लेट में खाना भरा और एक चेयर में जाकर के बैठ गए। उसके सिस्टर ने उसके लिए सबसे बड़ी बड़ी प्लास्टिक की चेयर निकाल ली। मोरेन खाने लगी और उसने पूरी प्लेट चट कर दी थी। थोड़ी देर के बाद जब वो उठने लगी तो उठ ही नहीं पा रही थी। उसने काफी जोर लगाया मगर वो चेयर्स में बुरी तरीके से फंस गई थी। वो बार बार चेयर से निकलने की कोशिश कर रही थी मगर निकल नहीं पा रही थी। सब लोग उसे देख करके हंस रहे थे। मोरेन का शर्म के मारे बुरा हाल हो रहा था। फिर उसका हस्बैंड और एक फ्रेंड उसकी हेल्प के लिए आए, तब जाकर के वो चेयर से निकल पाई। कार में बैठ करके घर जाते समय मोरेन लगातार रोए जा रही थी और उस दिन उसने कसम खाई कि बस अब बहुत हो गया, वो अपना वजन कम करके ही रहेगी। फिर किसी ने उसे पॉल मैकेना के वेट लॉस सीरीज के बारे में बताया और बस क्या था, फिर मोरेन की पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई। उसने पूरे 280 पाउंड वेट लॉस किया और एक जिम ट्रेनर बन गई। पहले नहाते समय वो अपने बैग तक क्लीन नहीं कर पाती थी, मगर अब मोरेन अपने इस नई लाइफ से बहुत खुश है। वो अपने क्लाइंट को भी यही बोलती है कि अगर वो कर सकती है तो हर कोई कर सकता है। मोरेन काफ़ी मोटिवेटेड फील करती है और चाहती है कि उसके जैसे बाकी लोग भी खुद में चेंज लाए। तो इसी बढ़िया सी कहानी के साथ सबक लेते हुए आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कहता है कि मेक एक्सरसाइज इजी एंड सुपर चार्ज योर मेटाबॉलिज्म। डॉक्टर सुसान जब ओबेसिटी एक्सपर्ट है, वो एक्सप्लेन करते हैं कि डाइटिंग के थ्रू अपना मेटाबॉलिज्म रेट रिड्यूस करना आपकी एनर्जी शो कराता है, जिससे आप कुछ भी करने के लिए बहुत लेजी फील करोगे। वो ये भी कहते हैं कि हमें खुद को भूखा नहीं करना है, हमें बस मूवमेंट करना है। थोड़ा बहुत फिजिकल एक्सरसाइज करते रहिए या फिर जो एक्टिविटी आपको पसंद हो। मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जब आपकी बॉडी फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करती है। हर किसी का एक यूनिट मेटाबॉलिज्म रेट होता है। इस केस में हम बोल सकते हैं कि आपका करंट मेटाबॉलिज्म रेट परमानेंट नहीं है, आप इसे चेंज कर सकते हैं। जिसका मतलब है कि आप अपनी ईटिंग हैबिट्स और फिजिकल एक्टिविटी चेंज करते हो तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी चेंज हो जाएगा। क्या आपको पता है कि पार्क का एक चक्कर लगाने से भी आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से स्ट्रेस में आपकी बॉडी बड़ी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करती है। इसे पैरासिथेटिक रिस्पॉन्स बोलती है, जिसे आपके एंडोर्फिन्स रिलीज होती है ताकि आप अच्छे मूड में रहे और इमोशनली स्टेबल रहे। ज़्यादातर लोग एक्सरसाइज ना करने की वजह उनकी गलत फहमी है कि उन्हें लगता है कि एक्सरसाइज का मतलब किसी मशीन पर दौड़ना है और या ट्रेनर की हेल्प लेनी है, मगर ऐसा नहीं है। आपको एक्सरसाइज को प्लेजर से लिंक करके रखना होगा, आनंद से जोड़ना होगा। आप कोई भी फिजिकल एक्टिविटी चूज कर सकते हो जिसे आप एंजॉय करते हो।
आइए एक स्टोरी सुनते हैं जो योवेन की स्टोरी है। उसका वेट 225 पाउंड से भी ज़्यादा हुआ करता था। डाइटिंग करते हुए उसे कई साल हो चुके थे लेकिन रिजल्ट एकदम जीरो था। एक दिन उसने पॉल मैकेना की वेट लॉस वाली डीवीडी देखी और यहीं से योवेन की ज़िंदगी चेंज हुई। उसने 4 गोल्डन बुक्स फॉलो करने स्टार्ट कर दिया। उसे ये पता चला कि अपने पड़ोसी यानी नेबरहुड का घर एक चक्कर लगा करके भी वो एक्सरसाइज कर सकता है। तो योवेन ने डिसाइड किया कि वो हर रोज 2000 स्टेप्स एक्स्ट्रा चलेगा। फिर धीरे धीरे उसे मज़ा आने लगा, वॉक करना उसकी हैबिट में शामिल हो गया था। फिर धीरे धीरे उसने रनिंग स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे दिन गुजरते रहे योवेन को फील हुआ कि उसकी बॉडी पहले से लाइट हो गई है। उसने 10 महीने तक यही रूटीन रखा और करीब 90 पाउंड तक लूज किया। लेकिन कमाल की और बड़ी बात यह है कि इस टाइम वो किसी भी इसीलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उसने सारी ओल्ड हैबिट छोड़ दी थी। अब वो एक रनर है, उसने कुछ मैराथन्स भी ज्वाइन किए। लेकिन योवेन की लाइफ में चेंज आया इस बुक को पढ़ने के बाद। एक डिप्रेसिव काउच पोटेटो से एक मैराथन रनर बनने की उसकी कहानी काफ़ी इंस्पायर करती है। उसकी तरह हम भी ये 4 गोल्डन रूल्स फॉलो करके और मोटिवेटेड फील करें। अपने रूम से निकल करके वॉक में जाना स्टार्ट कर दे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ जो कहता है क्रेविंग बस्टर्स। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ऐसी 2 टेक्निक्स के बारे में जो हमको अपनी क्रिएटिव को कंट्रोल क्रेविंग्स को कंट्रोल करने में हेल्प करेगी। फर्स्ट टेक्निक्स है द टेपिंग टेक्निक्स। तो टेविंग टेक्निक्स में इसे डॉक्टर राजल कलकाहन ने डेवलप किया है और इसमें टेपिंग द हिलर विदिंग यानी कि अपने कॉलर बोन को 10 बार टैप करो और अंडर आई पे 10 बार टैप करो और फिर से कॉलर बोन में 10 बार टैप करो। उसके बाद हाथ के बैक साइड में 10 बार टैप करो। हाथ में टैपिंग करते टाइम सर को राइट और फिर लेफ्ट साइड में झुकाओ और आगे हैप्पी बर्थडे वाले सॉन्ग की फर्स्ट लाइन गुनगुनाओ और 1-5 टाइम काउंट करो। मैं फिर से रिपीट करती हूँ इसको। टैपिंग द हीलर विद इन, यानी कि ये जो डॉक्टर ने इसको बनाया था इसमें क्या है, इस बुक में लिखा गया कि अपनी कॉलर बोन में 10 बार टैप करो, कॉलर बोन में 10 बार, फिर उसके बाद अंडर आई में भी 10 बार टैप करो, फिर कॉलर बोन में अगेन से वापस से 10 बार टैप करो, फिर उसके बाद हाथ के बैक साइड में 10 बार टैप करो, फिर हाथ को टैपिंग करते वक्त सर को राइट और फिर लेफ्ट ऐसे करके साइड टू साइड झुकाओ और हैप्पी बर्थडे वाला सॉन्ग की फर्स्ट लाइन को गुनगुनाओ और 1-5 टाइम काउंट करो। तो हम इस टेक्निक्स को उस टाइम में कर सकते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा क्रेविंग यानी खाने की जगह हो। जैसे कि लीजी को 2 लीटर कोला पीने से रोकने के लिए यही टेक्निक ट्राई करने को बोला गया था। उसे बताया गया था कि वो टैपिंग करें और उसने ऐसा ही किया। कुछ देर पहले जो वो कोला पीने के लिए तड़प रही थी अचानक से उसकी क्रेविंग एकदम से स्टॉप हो गई। हालांकि उसका अभी भी कोला पीने का बड़ा मन करता है मगर उससे अब इतनी स्ट्रॉन्ग क्रेविंग नहीं होती है। कुछ दिनों के प्रैक्टिस के बाद उसकी क्रेविंग अब पूरी तरीके से छूट गई है। प्रॉपर वे में इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए कॉन्सेंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड क्रेविंग बस्टर है द कंपल्शन डिस्ट्रॉय। यानी कि पॉल मैकेना एक्सप्लेन करती है कि ये फर्स्ट टेक्निक से थोड़ा सा अलग है, जहाँ आपकी क्रेविंग थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते हो लेकिन ये सेकेंड टेक्निक आपको उन फूड्स को खाने से रोकती है जो आपको वाकई में खा रहे हो। ये आप तभी करेंगे जब आप कोई पर्टिकुलर फूड वाकई में नहीं खाना चाहते हो। आपको अपने फेवरेट फूड को उस फूड से जोड़ के देखना होगा जो आपको बहुत ज़्यादा नापसंद है। मान लीजिए आपकी फेवरेट चीज़ आपके सामने रखी और आप उसे खाना अवॉइड करना चाहते हो, तो आपको करना ये है कि आपको उस फेवरेट फूड की स्मेल, उसका टेस्ट, उसका टेक्सचर उस फूड के साथ में जोड़ दीजिए जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप उसे खा रहे हैं। यकीन मानिए, ये सोचते ही आपकी भूख मर जाएगी और आपकी क्रेविंग खुद ब खुद स्टॉप हो जाएगी। फूड क्रेविंग एक नर्चर्ड बिहेवियर है। कोई भी नाचोस, पिज्ज़ा या बर्गर का फैन बेदाइसी नहीं होता। इसीलिए आप ये सोच करके एकदम भी होपलेस नहीं होइए कि आप अपनी क्रेविंग से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो इसी बढ़िया सी टेक्निक के साथ आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं चैप्टर नंबर 7। तो इसमें बोलते हैं कि द फाइनल पीस ऑफ द वेट लॉस पजल। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि ये चैप्टर हमको 4 गोल्डन रूल्स फिर से एक बार याद दिलाएगा और ये आपको एक बार फिर से याद दिलाता है कि खाना तभी खाओ जब भूख लगे। वही खाओ जो पसंद हो। अपने फूड को थोरोली एन्जॉय करो यानी स्लोली स्लोली खाओ।
और वहीं और पॉल मैकेना आपको गारंटी दे रहे हैं कि ये सिर्फ उन्हीं पर काम करता है जो ऐसे इसे फॉलो करता है, जैसे कि मेडिसिन उन्हीं लोग पर काम करता है जिन्हें इन पे भरोसा रहता है और वो इसे खा करके ठीक भी हो जाते हैं। और याद रखो, अगर एक बार आपने अगर फॉलो करना बंद कर दिया तो मैकेना का सिस्टम काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि फोर वेट लूज को इफेक्टिव बनाना है तो आपके कंट्रीब्यूशन के बिना ये काम मुमकिन नहीं है। इसके लिए आपको अपने पुराने आदतों और नज़रिए दोनों को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप वाकई में वज़न कम करने की चाहत रखते हैं तो या तो पूरा कमिटमेंट दीजिए या बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बीच का रास्ता नहीं चलेगा, एकदम ही काम नहीं करेगा। नो मोर इफ्स और नो बट्स, यानी कि किंतु परंतु कुछ भी नहीं, अगर मगर कुछ नहीं। आप ही है जो सेल्फ साबोटाज को रिमूव करके खुद में इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। पॉल मैकेना को अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं फोर रूल्स ऑफ वेट लॉस को एक हफ्ते से ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कुछ फर्क ही नहीं दिख रहा है, क्या मैं कुछ गलत कर रहा हूँ? पॉल इसका जवाब देते हैं कि आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट टू वीक्स तक अपना वेट बार बार चेक नहीं करना है। और ऐसा क्यों, ये आपको इस कहानी से समझ आएगा। एक फार्मर ने एक बार अपनी बेटी को कुछ बीज दिए, कुछ सीड्स दिए। वो उसे प्लांटिंग के बारे में सिखाना चाहता था कि प्लांट्स का किस तरीके से ध्यान रखा जाए कि वो अच्छे से ग्रो कर सके। उसने एक दिन अपनी बेटी को उस जगह की खुदाई करते देखा जहां उसने सीड्स डाले थे, बीज डाले थे। तभी लड़की ने बीज बाहर निकाल करके अपने हाथ में लिए और उन्हें सनलाइट दिखाने लगी। बार्बर ने पूछा कि ये क्या तुम कर रही हो, तो लड़की बोले कि वो देखना चाहती थी कि बीज उगे हैं कि नहीं, लेकिन उसे क्या पता था कि बार बार खुदाई करके कि वो सीड्स को ग्रो होने से रोक रही थी। तो यही सेम बात वजन कम करने पर भी अप्लाई होता है। आप रोज रोज वजन चेक करोगे और सोचोगे कि मैकेना के प्रोग्राम से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। हमारी बॉडी को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है और फर्स्ट टू वीक्स यानी कि पहले के दो हफ्ते तक आपको कोई भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आप इसे कंटिन्यू करते रहें, चेंज के सीड्स अपने अंदर नेचुरल वे में ग्रो होने दीजिए। याद रखें कि आपके पास एक इफेक्टिव वेट लॉस सिस्टम है और इस पजल का फाइनल बेस यानी कि सिर्फ आप हो। जी हाँ, इससे बढ़िया सी कहानी और बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट के साथ में टाइम आ गया है कंक्लूजन का, इस समरी के निचोड़ का। हमने इस बुक में 3 पैटर्न सीखे जो बताते हैं कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी हम वजन क्यों नहीं कर पा रहे हैं कम। ये पैटर्न से ऑब्सेसिव डाइटिंग, इमोशनल ईटिंग और फॉल्टी प्रोग्रामिंग। हमने इस बुक से सीखा कि फिजिकल और इमोशनल हंगर के बीच में क्या फ़र्क है। हमने 10 लेवल्स ऑफ हंगर के बारे में जाना। हमने सीखा कि जब हमारा पेट फुल हो जाए तो खाना बंद कर दीजिए। आपने यहाँ पर वेट लॉस के 4 गोल्डन रूल्स को के बारे में भी सीखे। पॉल मैकेना के वेट लॉस सिस्टम में कोई प्रेशर नहीं है, ये हमको पूरे प्रोसेस के दौरान खुद से प्यार करने के लिए इंस्पायर करेगा। यानी एक तीर से दो निशाना, हमारा वेट लॉस भी कम हो जाएगा और साथ ही सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। ये बुक हमको सिखाती है कि स्ट्रिक्ट डाइट से हमको कोई फ़ायदा नहीं होगा। अपनी लाइफ में थोड़ा बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करो, वो भी जब बात खुद को पैम्परिंग करने की हो, तो आप जेब से हैं एकदम सही है। चाहे जो भी हमारा बॉडी टाइप हो, याद रखिए कि हम एक वंडरफुल पर्सन है, बहुत अमेजिंग। हमारी जिंदगी में विस्टम और बिलीव लाइए। जो चीज हमारी लाइफ को कॉम्प्लिकेट बनाती है उन्हें अपनी लाइफ से दूर कर दीजिए। हमें दूसरों की नकल नहीं करनी है, हम जैसे ही हैं वैसे ही परफेक्ट है। खुद को एक्सेप्ट करना सीखिए, स्वीकार करना सीखिए। याद रखिए कि हम ये सब खुद के लिए कर रहे हैं, वरना हम इस पॉइंट तक ये बुक समरी को नहीं सुन रहे होते। अपने आप में ऐसे चेंजेस लाइए जो आपकी लाइफ को बेटर बना दे। आप अकेले नहीं हो, क्योंकि जो क्योंकि ओवरवेट के प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, हमारे जैसे बहुत लोग हैं। हमेशा ये एटीट्यूड रख कर के चलिए कि हमारी प्रॉब्लम हमसे बड़ी नहीं है, हर चीज़ का एक सलूशन ज़रूर होता है, बस हमको थोड़ा सा मोटिवेशन की ज़रूरत है। और फिर आप चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकते हो, जैसे कि इस समरी में हमने जाना कि बहुत सारे लोग हमारी ही तरह हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया। एंड आई एम श्योर भी कि आप तो कर ही सकते, कम से कम इस समरी को सुनने के बाद तो और मोटिवेटेड हो गए हो। तो इसी सब समरीज के साथ में ये समरी तो यहीं ख़त्म हो गई है, आई कैन मेक यू थिन समरी। तो अगर आपको कोई और जैसे भगवत गीता या और भी बुक्स देखना होगा तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर सकते हैं। और ये बुक आपको कैसी लगी, अगर आपको कोई और दूसरी बुक चाहिए